आदर्श नगर स्थित राजकीय सैटेलाइट अस्पताल में कार्यरत वार्ड बॉय व सफाई कर्मचारियों ने आज कार्य का बहिष्कार करते हुए समय पर वेतन देने की मांग रखी है। कर्मचारियों का कहना है कि विगत 2 माह से कई कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला, जिसके चलते दीपावली का त्योहार मनाना भी मुश्किल हो रहा है और घर की आर्थिक हालत भी कमजोर है। वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि ठेकेदार केवल 5,000 कर्मचारियों को सैलरी दे रहा है और उससे भी समय पर मांगने पर हटाने की धमकी देता है। ऐसे में सभी कर्मचारियों में रोष है और उन्होंने लामबंद होकर अपना विरोध जाहिर करते हुए कार्य का बहिष्कार किया है। अगर 15 दिन के भीतर दीपावली से पहले सभी को वेतन नहीं मिला तो यह हड़ताल आगामी दिनों तक जारी रहेगी, जिसके जिम्मेदार प्रशासन में बैठे अधिकारी होंगे। राजकीय सैटेलाइट हॉस्पिटल है आदर्श नगर अजमेर में और यहाँ पेमेंट को लेकर सारा प्रदर्शन किया गया है। यहाँ पर पेमेंट टाइम पे नहीं दी जाती है और यहाँ पे पेमेंट के लिए बोला जाता है तो ठेकेदार हमें हटाने की धमकी देता है और कहता है सॉरी मांगो लिखित में दो। तो ये सब क्यों करें हम? मुझे 5 साल हो चुके हैं यहाँ पर। पेमेंट हमें किसी को 2 महीने से देता है, किसी को 1 महीने से देता है, किसी को 25-25 तारीख हो जाती है, समय पे नहीं देता है। तो आज प्रदर्शन है इसको लेकर? हाँ, आज आगे मांगे नहीं मानी जाती तो हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो ये हड़ताल जारी रहेगी और आगे तक जारी रखेंगे। क्या करते हैं हम? सीप सफर सफाई कर्मचारी हैं। ये राजकीय सैटेलाइट चिकित्सालय आदिनगर जो जलन के अंदर संलग्न हो रखा है, वहाँ के कर्मचारी हम वार्ड बॉय और सफाई कर्मचारी, और पेमेंट हमारे को टाइम पे नहीं मिलने के कारण हम हड़ताल पे हैं। और हमारे को कोई भी हर महीने की कभी 25 तारीख होती है, कभी 20 तारीख को पेमेंट मिलता है। हम चाहते हैं कि हमें टाइम पे पेमेंट मिले ताकि हम बिजली का लाइट और समय पे जमा करा के पेनल्टी से बच सकें। कई भाइयों को तो 2 महीने से नहीं मिल रहा, कईयों को मिल रहा है तो उनको लेट रुला के पेमेंट देता है। अब प्रशासन को कहते हैं मगर प्रशासन सुनता नहीं है। और हमने और आज तक हमारे को 10 साल से यहाँ सर्विस देते हो गए, फिर भी हमारे को ठेका में है और 5,000 रुपये से ज़्यादा हमारी सैलरी नहीं है। घर खर्चा चलाने में बड़ी मुसीबतें हो रही है। कृपया करके हम चाहते हैं कि आगे हमारी जन सुनवाई हो और हमारे को जो न्यूनतम मजदूरी घर खर्चा चलाने में सैलरी हो उसके मुताबिक तनख्वाह तो दिलाई जाए। ये हड़ताल आगे भी जारी रखेंगे अगर 15-20 दिन में अगर हमारी ये मांगे पूरी नहीं हुई तो।